मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर टोटली फिट एंड फाइन एट योर होम। सो गाइस, टुडे आई एम गोइंग टू टेल अबाउट लेटर यू। ओके, बिकॉज लेटर ए टू टी टॉट इन क्लास। ओके, सभी ने ए टू टी लेटर पढ़ लिया ना क्लास में। सो टी के बाद कौन सा लेटर आता है? यू। ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल अबाउट लेटर यू। This letter is this. This is capital U. Okay? U letter हम किस pattern में use से बनाते हैं? Tell me. Okay, I tell you. U letter हम हल्का सा curve, curve आपने सीखा है, curve करते हुए up to down. Okay? इस तरह से हम U letter बनाते हैं. This is a capital U and this is a small. कैप्चर यू एंड स्मॉल यू। ओके, अब आपको बताना है कि यू लेटर से कौन कौन सी चीजें होती है। तो फर्स्टली सभी बच्चों को पता होगा कि यू लेटर से अम्ब्रेला होता है। ओके, यू फॉर अम्ब्रेला। द पिक्चर इज दिस, दिस इज एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला भी छाता, ये हम अम्ब्रेला कब यूज करते हैं? रेनी सीजन में यूज करते हैं। जब बारिश होती है ना, रेनी सीजन कब होता है? जब बारिश होती है तो हम ये अम्ब्रेला बारिश में यूज करते हैं, रेनी सीजन में यूज करते हैं। यू फॉर अम्ब्रेला। ओके, अम्ब्रेला किसका है? यू एम बी आर ई डबल एल ए अम्ब्रेला। ओके, यू फॉर अम्ब्रेला, ये सभी को पता होगा। आफ्टर दैट इसके अलावा और कौन सी चीजें यूज हो सकती है? कैन यू टेल मी? Okay?
टर्न होता है, इसको ऐसे हल्का सा कर्व करेंगे और फिर ऐसे यू बनाएंगे। ओके अंडरस्टैंड, ऐसे लाएंगे और फिर हल्का सा कर्व करते हुए ऐसे यू बनाएंगे। इन थ्री लाइन में हम यू बनाएंगे। तो आपकी एक ही वर्ड बुक है, इसमें आपको यू लेटर की प्रैक्टिस करनी है। तीन तक आपने कर लिया है, अभी देखिए ये वर्ड बुक में आपको यू लेटर की प्रैक्टिस वन पेज यहाँ करनी है एंड वन पेज आपको ये वाला यहाँ पे करना है। इससे आप थ्री लैंग्वेज को रिलेटेड हम आपको एक वाइंस भी बता, जैसे यू लेटर है ये, तो यू लेटर से रिलेटेड एक वाइंस भी आपको यहाँ लर्न करनी है, जो कि बहुत ही अच्छी लाइन्स है और ये अंकल के ऊपर वाइंस है। ओके कैसे आप पढ़ेंगे, अंकल अंकल देयर आर यू, ओके याद सुनिएगा, अंकल अंकल देयर आर यू, अंकल अंकल व्हाट कैन यू डू, अंकल अंकल इज दैट यू, अंकल अंकल आई लव यू। ओके तो ये वाली अंकल वाली आप फैमिली भी लर्न करेंगे। सो गाइस अब आपको समझ में आ गया होगा कि यू लेटर ये कैपिटल है और ये स्मॉल है, यू लेटर से रिलेटेड ये सारी थिंग्स हैं। देन आप यू लेटर कैसे राइट करोगे, इसके बाद आपके एक एक्टिविटी वर्क बुक है, इसमें आपको ये यू लेटर आता है, इसमें आपको ठीक करना है पिक्चर्स के नीचे जो लेटर यू से रिलेटेड है। ओके जैसे मैंने आपको एम्पायर नहीं बताया, लेकिन यू से एम्पायर भी होता है। ओके तो आपको उन पिक्चरों के नीचे राइट पर टिक मार्क करना है जो कि यू से रिलेटेड है। तो ये क्या है, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस यू से स्टार्ट नहीं होता, इसलिए इसको टिक नहीं करना है। यू फॉर एम्पायर, एम्पायर जो क्रिकेट में होते हैं, जो आउट और नॉट आउट बताते हैं वो होते हैं एम्पायर। तो ये लेटर यू से स्टार्ट होता है, इसमें यहाँ पर टिक करना है। आफ्टर दैट द पिक्चर इज दिस, दिस इज एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला भी हमारे यू लेटर से स्टार्ट होता है, इसलिए यहाँ टिक करना है। यू फॉर फ्रॉग नहीं होता है, ये एफ से स्टार्ट होता है, इसलिए यहाँ पे टिक नहीं करना है। यू फॉर आपका डॉग भी नहीं होता है, आर से स्टार्ट होता है, इसको भी टिक नहीं करना है। एंड वी फॉर बेस, ये भी आपके यू से नहीं स्टार्ट होता है, इसलिए इसको भी टिक नहीं करना है। तो ये वर्ड बुक भी आपको, ये वाली एक्सरसाइज भी आपको अपने वर्ड बुक में करनी है। ओके ये एक्सरसाइज तो आपने कॉपी वाली देख ली, करनी है आपको वर्ड बुक वाली। इसके अलावा हम आपको हिंदू लेटर से रिलेटेड की एक्सरसाइज बता रहे हैं, उसको आप ब्लैक बोर्ड पे देखिएगा। ओके सो नाउ लुक एट द ब्लैक बोर्ड, हमारा यू से नहीं स्टार्ट होता है, इसको हम मैच नहीं करेंगे।
लेकर चलेंगे। आपको ए से लेकर यू तक आपको अपनी कॉपी में राइट करना है। क्लियर है एवरीवन? सबको समझ में आ गया? नाउ जो अभी मैंने आपसे यू लेटर से रिलेटेड गाइड्स कराई थी वो एक बार मैं फिर रिपीट कर रही हूँ रिविजन के तौर पे, आप ध्यान से सुनिएगा और इसको लर्न कर लीजिएगा। ओके सो नाउ लेट्स स्टार्ट। अंकल अंकल वेयर आर यू, अंकल अंकल वेयर आर यू, अंकल अंकल व्हाट कैन यू डू, अंकल अंकल व्हाट कैन यू डू, अंकल अंकल इज दैट यू, अंकल अंकल इज दैट यू, अंकल अंकल आई लव यू, अंकल अंकल आई लव यू, अंकल अंकल आई लव यू। ओके सुना? अब आपको बस आपको मैं बता रही हूँ कि आपको सारा रिविजन करना है, जानना है, देन आपको यू लेटर की प्रैक्टिस करनी है और एक राइटिंग आपको एक यू लेटर लिखना है। ओके मिट्टी टुमारो बाय।